मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल मुंब्रा मार्केट में एक महिला पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। इस महिला का नाम रीना खंडेलवाल, उम्र 32 साल है। बहरहाल मुंब्रा पुलिस ने आरोपी नाजिश सिद्दीकी और उसके 3 और साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों पर पहले से ऐसे ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। रीना ने बताया कि ये लोग पैसों की डिमांड करते थे, पैसा नहीं देने पर धंधा हटाने की धमकी देते थे। इसी वजह से रीना और नाजिश का कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, जिसकी ठसन में नाजिश सिद्दीकी ने एसिड एक इमारत से रीना के ऊपर बल्ब में भरकर फेंका, मगर वो एसिड रीना के ऊपर नहीं गिरा बल्कि साइड में गिरा और उसके कुछ छींटे रीना के पैर पर पड़े, मगर रीना जख्मी नहीं हुई है। हालांकि उस दौरान उसे कुछ खुजलाहट जरूर हुई, जिसका उपचार कराने के बाद ठीक हो गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि एसिड नहीं पानी था। बहरहाल अब ये पुलिस तय करेगी कि क्या वो एसिड था या पानी था, ये आरोपियों की पूछताछ में ही सच सामने आएगा। मगर पुलिस ने आरोपी नाजिश सिद्दीकी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरी घटना में रीना खंडेलवाल ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। क्या घटना हुई थी कल आपके साथ, जो खबर मिल रही थी कि आपके ऊपर जो है एसिड वगैरह से कुछ किसी ने हमला किया था, तो आखिर क्यों किया था, क्या दुश्मनी थी आपसे पहले उसकी, या वो किसी चीज़ की मांगनी कर रहा था, क्या मामला था पूरा? दुश्मनी वगैरह नहीं थी, वो यहाँ पे सब लोगों को धमकाता था कि मुझे हफ्ता चाहिए करके, उसको उसको सबको। तो वो कल उस दिन मेरे पास आया था, 25 तारीख के दिन मेरे पास आया था, मुझे बोला था कि तुम मतलब ये एरिया मेरा है करके, यहाँ पे किसी को बिठाने का नहीं, यहाँ से हफ्ता वसूली मैं करूँगा करके, ऐसे उसने मुझे बोला। तो मैंने बोला कि मतलब मेरी जगह है, तू क्यों हफ्ता वसूली करने वगैरह आएगा, ऐसे सब बात करके करके मच करने लगा। फिर बाद में ज़्यादा ही कुछ बोलने लगा वो, फिर बोलते बोलते उसने चॉपर वगैरह वो टाइम पे निकाला 25 तारीख के दिन। वो टाइम पे मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया, तो एनसी ली थी मेरी वो टाइम पे उन लोगों ने। फिर एनसी लेने के बाद में 28 तारीख को वापस उसने इधर पे मार्केट में आके सबके सामने धमकी दिया मेरे को कि तेजाब फेंकूँगा और मर्डर करूँगा तेरा करके, सबके सामने। फिर 28 तारीख जाने के बाद में तभी भी मिला नहीं पुलिस स्टेशन में, मैं जाके FIR दर्ज की। FIR दर्ज होने के बाद में कल मैं यहाँ पे शॉप में बैठी थी, अचानक मतलब दोपहर का 2 बजे 2:20 का टाइम था। क्या नाम है? नाजिश सिद्दीकी। नाजिश सिद्दीकी है वो, ठाकुरपाड़ा का रहने वाला है, बट यहाँ पे आके बीच में 25-30 जन की टोली है, सब चरसी गोरदुले लोग रहते हैं, उन लोग की टोली पूरे यहाँ पे बैठे रहते हैं आके, सुबह से लेके रात के 12-1 बजे तक उन लोगों का चालू ही रहता है। और कल के दिन मैं यहाँ पे बैठी थी, दोपहर का टाइम था, 2:20 का टाइम था, बैठी थी और अचानक मैं ऊपर से बल्ब में बिल्डिंग के ऊपर से बल्ब में तेजाब भर के ऐसे फेंक दिया नीचे, मेरे पैर के इधर ही गिरा वो, नसीब मेरे आंग पे नहीं गिरा, पैर के इधर ही गिर गया। गिरने के बाद में वैसे ही मैंने चिल्लाई, सब लोग को बुलाई, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो तेजाब नहीं था, वो पानी था। अभी तेजाब नहीं रहता सर तो उसमें से धुआं नहीं निकलता, बराबर है, तेजाब था इसके लिए धुआं निकला, वो भारी वाला तेजाब नहीं था। मैं भी बोल रही हूँ, टॉयलेट क्लीनर जो रहता है ना वो वाला तेजाब था, हाँ वो था, भारी वाला नहीं था, मैं भी बोल रही हूँ, बट वो जो पानी बोल रहे हो वो पानी नहीं, तेजाब ही था। तो आपके ऊपर कुछ पड़ा है ऐसा? नहीं नहीं, मेरे ऊपर पड़ा नहीं, खाली हाँ बच गई मैं, ऐसे छोटे से मतलब छींटे उड़ गए थे, तो उस टाइम पे मुझे खुजली हो रही थी, मतलब जलन होती है ना, जलन हो रही थी बस, बच गई ना सर में जिस टाइम पे फेंका सामने। तो वो किस चीज़ का हफ्ता यहाँ से आप लोगों से मांग रहा था, क्या उसका कहना? हफ्ता मतलब ये मैं यहाँ का मेरा इलाका, ये मेरा एरिया, आपकी जो दुकान है, तो ये दुकान आपकी कितने साल पुरानी, कितने साल से आप लोग यहाँ पर धंधा लगा रहे हैं, और वो क्या कितने दिन से, ज़्यादा दिनों से हफ्ता आप लोगों से मांग रहा था या नया नया शुरुआत किया था उसने मांग? 60 साल हो गया हमारे दुकान पे, आज तक किसी ने कभी हफ्ता वसूली वगैरह करी नहीं, पर ये लड़का आके आज 2 साल से तकलीफ दे रहा है सब लोग को। अभी 1 साल पहला ये सामने वाली दुकान है उसके ऊपर वार किया हफ्ता वसूली में, उसकी भी केस दर्ज है। फिर बाद में उधर पे एक वड़ा पाव वाला है उसी के ऊपर भी केस दर्ज है, उसके ऊपर भी हफ्ता वसूली का उसको मार। कितना है हफ्ता? ऐसे मतलब बोलता है ना 100-100 रुपया डेली का देने का सब दुकान वाले ने।
जो बाहर धंधा लगाएंगे उन लोगों ने 100-100 रुपया डेली का देने का। तो लोग देते भी है उसे नहीं, देते, नहीं देते, बट ये बंगाली लोग जो बाहर बैठते वो लोग डर के मारे दे देते ना, वो डर जाते क्योंकि ये लोग चारू मतलब छुरा चाकू वगैरह निकालते तो डरेगा ना कोई भी ऐसा है। तो अभी इस मामले में पुलिस ने आपकी कंप्लेन वगैरह ली है, पर मेरा कहना क्या है, कंप्लेंट से कुछ नहीं होगा, ऐसे इंसान को यहाँ चाहिए ही नहीं है। जो इंसान छूट के बाद में कल वापस ऐसे ही करेगा, आज मेरे ऊपर किया है, वो नॉर्मल एसिड था, अगर सच्ची में कल ओरिजिनल एसिड रहता तो सोचिए आप। और आज इतने हद तक वो लोग जा सकते तो तुम सोचो वो कितने हद तक जा सकता है। और आज हफ्ता वसूली करना ये लोग ये क्या है, प्रोफेशनल टाइप हो गया अभी लग रहा है ऐसा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।